एस्ट्रोनेट शशि रंजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जून 2023 का राशिफल क्या होगा मेष राशि वालों के लिए, इसी की आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी यह जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जून के महीने में सूर्यदेव 16 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो मिथुन राशि से गोचर करेंगे। आपका जून के महीने में स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपका प्रेम प्यार, आपका वैवाहिक जीवन, आपका भाग्य, आपका करियर, आपका इनकम, आपका धन कैसा रहेगा, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जून के महीने में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है, आपके लग्न में राहु, बुध और गुरु हैं। सूर्य 16 जून तक आपके वृषभ राशि में है, द्वितीय भाव में है, और 16 जून के बाद वो मिथुन राशि तृतीय भाव से गोचर करेंगे। शुक्र और मंगल पूरे महीने आपके कर्क राशि में चौथे भाव से गोचर करेंगे, केतु आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे तुला राशि से, और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से आपके एकादश भाव से गोचर करेंगे। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य लगन प्रथम भाव से देखा जाता है, और प्रथम भाव के स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव कक्र राशि से गोचर करेंगे, और कक्र राशि के स्वामी चंद्रमा है, मन के कारक हैं, तो थोड़ी सी आपको हेडेक हो सकती है। आप ज्यादा सोचेंगे तो जिससे आपके कारण सिर दर्द, माइग्रेन, हेडेक हो सकते हैं। वैसे मंगल केंद्र में है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, कोई ज्यादा परेशानी आपको नहीं है। अगर संतान की बात करें तो संतान आपके पंचम भाव से देखा जाता है, और पंचम भाव के स्वामी सूर्य द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं 16 जून तक। 16 जून को वो अपने तृतीय भाव से गोचर करेंगे, तो 16 जून तक आप संतान के प्रति अस्वस्थ हैं, संतान को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी, और आप संतान के कार्यों से सेटिस्फाई रहेंगे। लेकिन जब 16 जून के बाद जब सूर्य मिथुन राशि से गोचर करेंगे तृतीय भाव, तो थोड़ी सी परेशानी आपको संतान को लेकर हो सकती है, चिंताएं बढ़ सकती है उनके करियर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी पंचम भाव से देखा जाता है, तो जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको 16 जून तक पढ़ाई में खूब मन लगेगी, अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षा है तो उसमें सफलता होने की पूरी संभावना है, पढ़ाई में अच्छी मन लगे। लेकिन 16 जून के बाद जब मिथुन राशि से गोचर करेंगे तृतीय भाव यात्रा का होता है, घूमने फिरने का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है, तो 16 जून के बाद थोड़ा मन भटक सकता है, कहीं घूमने चला जाए, कहीं यात्रा पर चला जाए, मैंने पढ़ाई से मन थोड़ी आपकी बट सकती है। प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार भी पंचम भाव से देखा जाता है, और पंचम भाव के जो स्वामी सूर्य द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं और 16 जून से तृतीय भाव से करेंगे, और शुक्र मंगल केंद्र में है, तो प्रेम प्यार तो बहुत अच्छा रहेगा। 16 जून तक दोनों के बीच काफी अच्छा ट्यूनिंग बनेंगी, दोनों के बीच नजदीकियां बनेंगी, प्रेम प्यार काफी बढ़ेगा। लेकिन 16 जून के बाद आप कहेंगे कुछ, अगला कहेगा सोचेगा कुछ, करेगा कुछ, मैंने अपोजिट होगा, मतलब आप और कहेंगे तो अगला को कहेगा, मैंने दोनों एक दूसरे के विपरीत विचारधारा के हो जाएंगे, मैंने आपकी बातों को वो इग्नोर करना शुरू करेंगे, जिससे थोड़ी तकलीफें आपको आ सकती है।
16 जून के बाद। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन सप्तम भाव से देखा जाता है और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य शुक्र केंद्र भाव से चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र और मंगल की युति बहुत ही रोमांटिक होती है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। प्रेम प्यार के विषय में वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर कैरियर की, अगर भाग्य की बात करें तो भाग्य नवम भाव से देखा जाता है, नवम भाव के स्वामी गुरु आपके लगन में ही बैठे हैं प्रथम भाव में और उनकी नौवीं दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ रही है, तो भाग्य का साथ तो पूरा मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिता से आपकी अच्छी बनेगी, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म के कार्यों में आपका मन लगेगा, धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। अगर करियर की बात करें तो करियर दशम भाव से देखा जाता है और दशम भाव के स्वामी शनि अपने ही राशि मूल त्रिकोण राशि एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं, तो करियर भी आपका अच्छा रहेगा। बिजनेस अगर कर रहे हैं तो बिजनेस आपकी अच्छी चलेगी, लाभ होने की पूरी संभावना है क्योंकि शनि आपके एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस से लाभ होगा, अच्छा होगा, करियर बनेगी और जो बेरोजगार है उनकी रोजगार लग सकती है, नौकरी कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन हो सकता है, उनका इंक्रीमेंट हो सकता है, मनचाहा पोस्टिंग हो सकती है। करियर और भाग्य के विषय में आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जून के महीने। अगर धन की बात करें तो धन द्वितीय भाव से देखा जाता है और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र आपके चतुर्थ भाव कक्र राशि से गोचर करेंगे, तो धन तो आएगा, धन भी आएगा, लाभ भी होगा, भाग्य का साथ देगा। अगर माता की स्वास्थ्य की बात करें, भूमि वाहन की बात करें तो चतुर्थ भाव से देखा जाता है और चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा हर 2 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो माता का स्वास्थ्य कभी अच्छा रहेगा, कभी थोड़ी सी उनको मानसिक पीड़ा हो सकती है, कोई टेंशन हो सकता है, कभी बहुत खुश रहेंगे, कभी बहुत दुखी हो जाएंगे। भूमि वाहन कभी आप सोचेंगे कि मैं परचेज करूं, कभी सोचेंगे यार ये तो बेकार है, इसको लेना अभी उचित नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करना अभी अच्छा नहीं है। अब आपकी कुंडली क्या कहती है ये आप किसी अच्छे ज्योतिष से कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भूमि और वाहन खरीदना उचित है कि नहीं, क्योंकि ये गोचर के आधार पर विवेचन किया जा रहा है। जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है उसे निजात पाने के लिए आप हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें, मंगल के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, चंद्रमा के बीज मंत्र का संध्या काल में सूर्यास्त के बाद 108 बार जाप करें और उगते हुए सूर्य को जल दें, जो भी परेशानी है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। इस तरह से मेष राशि जून 2023 के वक्तव्य पर मैं विराम लगाता हूं। आप लोगों से कृपया अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगे जो भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंच सके और आप ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य पर विराम लगाता हूं। धन्यवाद।